भाजपा प्रदेश प्रभारी डी पुरंदेश्वरी ने दुर्ग भाजपा कार्यालय में संभाग प्रमुखों की ली बैठक, संगठन की मजबूती के लिए दिए टिप्स। भाजपा की छत्तीसगढ़ प्रभारी डी पुरंदेश्वरी दुर्ग प्रवास के दौरान भाजपा कार्यालय पहुंची, जहां उन्होंने दुर्ग संभाग के अंतर्गत आने वाले 6 जिलों के पार्टी प्रमुखों के साथ चर्चा की और आगामी चुनाव को देखते हुए भाजपा को बूथ स्तर तक मजबूत बनाने के आवश्यक टिप्स दिए। इस बैठक में मुख्य रूप से भाजपा प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदेव साय, पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह, राज्यसभा सांसद डॉक्टर सरोज पांडे, प्रदेश मंत्री व संभाग प्रभारी किरण देव, पुरेंद्र मिश्रा, प्रेम प्रकाश पांडे, विद्यारतन भसीन, जागेश्वर साहू व अभिषेक सिंह के साथ जिले के प्रभारी व पूर्व विधायक भी मौजूद रहे। बैठक के दौरान पत्रकारों से चर्चा करते हुए छत्तीसगढ़ प्रभारी डी पुरंदेश्वरी ने अपनी प्रतिक्रिया दी। कितने वादों को उन्होंने निभाया, इसका जो एक व्हाइट पेपर है, श्वेत पत्र जरूर छत्तीसगढ़ को भूपेश बघेल जी को देना है, ये हमारी मांग है। और बार बार कहते हैं छत्तीसगढ़ी का जो सेल्फ प्राइड के बारे में बात करते हैं, यहाँ छत्तीसगढ़ से रुपये लूट लूट कर, जैसे मैंने कही भ्रष्टाचार में रेत हो, सीमेंट हो, अवैध दिक्कत हो, इन सभी में पैसे लूट लूट कर वो कहाँ लेके जाता है, यहाँ डेवलपमेंट के लिए वो खर्चा नहीं करते, वो ले जाते हैं यूपी में, असम में, जहाँ पे भी इलेक्शन होता है छत्तीसगढ़ से रुपये जाते हैं वहाँ। तो ये छत्तीसगढ़ की सेल्फ रिस्पेक्ट की बात होती है क्या? और वैसे ही खुद अपना जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है भूपेश बघेल जी का पाटन, वहाँ एक भाई मरता है बिकॉज ऑफ बिजली के तार की वजह से उनका देहांत हो जाता है, और उनको कॉम्पनसेशन कितना दिया जाता? 5 लाख। पर यहाँ का मुख्यमंत्री यूपी में जाकर वहां जो किसान मर जाते हैं उनको कितने देते? 50 लाख। यानी इज दिस कीपिंग अप द सेल्फ रिस्पेक्ट ऑफ छत्तीसगढ़? इन सभी जो सवाल हमने उठाए हैं, इन सभी का जवाब यहाँ का भूपेश बघेल जी को, यहाँ का प्रशासन को और यहाँ के जो कांग्रेस नेता हैं उन सभी को देना पड़ेगा। और मैं विश्वास करती हूँ कि यहाँ के लोग सभी बात को देख रहे हैं, समझ रहे हैं, और जरूर आने वाले चुनाव में जो 2023 2023 में जो हमारे इलेक्शन होने वाले हैं, जरूर हमको भरपूर अपना आशीर्वाद देंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। एकदम भ्रष्टाचार लिप्त है वो, और केवल यही नहीं, इससे पहले भी 2-3 मंत्री, एक मंत्री हो ये या एक विधायक हो, उन्होंने भी चिट्ठी लिखा था कि भ्रष्टाचार परम सीमा पर है अभी। यानी कि कांग्रेस के खुद के जो विधायक है, जो मिनिस्टर्स है, उन्होंने खुद दे हैव एक्सेप्टेड कि भ्रष्टाचार परम सीमा पर है यहाँ छत्तीसगढ़। ये हमारा या और किसी का कहना नहीं है, ये हम उन पर आरोप नहीं लगा रहे। This is the letter of JC, जो खुद लिखे कि यहाँ भ्रष्टाचार इतना हो रहा है। और भूपेश बघेल जी यहाँ के जो मुख्यमंत्री है क्या करते हैं, वो जाते हैं पूरे प्रदेश के दौरे पर, और एक दो जो छोटे छोटे अफसर है उनको एक्सपेक्ट करते हैं, उनको काम से निकाल देते हैं। पर इसका क्या जवाब है जो आपके खुद के कलेक्टर इतना बड़े भ्रष्टाचार कर रहे हैं, इसका तो जवाब देना है उनको। और जिस तरह से यहाँ का अफसरों की और पुलिसों की जिस तरह से ट्रांसफर होती जाती है, वो आते हैं एक महीने तक वो रहते हैं, और एक महीना होते होते उनको इमीडिएटली ट्रांसफर कर देते हैं। यानी कि खुद यहाँ के जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज हैं उनको खुद पता नहीं कि वो उस पद पर या उस स्तर पर वो टिकेगा कि नहीं, खुद को पता नहीं। यानी कि उनसे पैसा लिया जाता है और ट्रांसफर किया जाता है। मेरा मानना यही है कि डेफिनेटली यहाँ के जो लोग हैं वो परिवर्तन चाहते हैं, ऐसा तो मुझे लग रहा है जब मैं लोगों में जाती हूँ, बात करती हूँ। यहाँ जिस तरह का भ्रष्टाचार है, लेकर को लेकर हो, सीमेंट का हो, भ्रष्टाचार इज एट परम सीमा पर है। और ये भ्रष्टाचार जो होती है वो केवल
प्रभावित करने लगी है, जैसे रेत का माफिया अभी जो छत्तीसगढ़ में चल रही है, जिसकी वजह से रेत का दाम इतना बढ़ गया है कि एक सामान्य गरीब को घर बनवाना या बनाना उसके लिए बहुत 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 मुश्किल हो गया है। पहुंचाने में यहाँ का जो प्रदेश सरकार है वो विफल है, जिसकी वजह से लगभग 8 लाख घर वापस गए हैं, नहीं बनाए हैं और वापस गए हैं। और इस पर मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहती हूँ कि प्रधानमंत्री आवास योजना के अंदर बहुत बड़ी स्तर पर केंद्र सरकार से फंड्स आते हैं उसके लिए, जैसे 180,000 जो घर है उनका जो फंड्स होना है वो केंद्र सरकार देती है, और जो अपने हिस्से की जो 50,000 या 30,000 है उसको देने में यहाँ का प्रशासन पीछे हट रही है, जिसकी वजह से गरीबों तक आज घर नहीं मिला, उनको नहीं मिला या उन तक नहीं लेके चलने की जरूरत है। जैसे अगर महिलाओं पर ध्यान दें तो जिस तरह से महिलाओं पर दुष्कर्म बढ़ते गए हैं, है ना, एनसीईआरटी का रिपोर्ट ये कहना है कि छत्तीसगढ़ इज ऑलमोस्ट द सेकेंड अगेन इन एट्रॉसिटीज अगेंस्ट वुमेन। और वैसे यहाँ के जो स्वयं समूह दल होते हैं महिलाओं का सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, उनको जो पहले दिया गया था वो रेडी टू ईट फूड बनाने का, उनसे तो छीन लिए और अपने लोगों को दे दिए, यानी कि द सेल्फ हेल्प ग्रुप्स आर नाउ सफरिंग। और उनका डिमांड भी यही है कि वो जो पहले जो हम बनाते आए हैं वही काम हमको वापस दे दीजिए, विच मीन्स यहाँ का जो प्रशासन है दे आर हैंड इन ग्लव विद उस कंपनी से जिनको ये काम दिया गया है। स्तर पर जैसे युवाओं को वादा किया गया था चुनाव के समय पे कि हम आपको अनएम्प्लॉयमेंट भत्ता देंगे 2500 रुपीज कहा करती है, ये जवाब तो प्रशासन को छत्तीसगढ़ युवाओं को देना है। और इसको छोड़िए, यहाँ एक भी इंडस्ट्री आने की संभावना नहीं है, अभी तक नहीं आया, एक साल में आएगा ऐसा तो मैं नहीं मानता, जिसकी वजह से हमारे बच्चों को जो एम्प्लॉयमेंट मिलना है यहाँ मिलता भी नहीं है। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट।